Okay, what all we started in the last class related to this chapter was organizing start किया था हमने. What do you mean by organizing? Organizing का मतलब हमने पढ़ा था grouping of activities और उनको best way से perform करना is organizing. फिर हमने कुछ इसके types पढ़े थे जिसमें था line, line staff, function. तो थोड़ा सा function आपका 12th से यहाँ पर हल्का सा एक difference आ रहा था क्योंकि 12th में आपने function को कुछ और पढ़ा था और यहाँ पर difference थोड़ा सा फंक्शंस के अंदर आ रहा था. ठीक है, देन अपने लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक था हमारा, द लास्ट टॉपिक ऑफ लास्ट क्लास वाज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया गया था. नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ये हमने कर लिया था आई थिंक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स रीड अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक ऑल विजिबल है सबको. ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सेपरेट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बता दिया था ये आपको. वैसे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने कहा था उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको सेपरेट असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं. बाकी जो तीन टाइप के आपके ऑर्गेनाइजेशन थे उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सेपरेट असाइनमेंट्स दे दिए जाते हैं. उन असाइनमेंट्स को फिनिश करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, उनको बोला जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली, ऐप बनाने वाली कंपनी है, और उसको एक असाइनमेंट दिया गया कि आपको एक ऐप डेवलप करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आधार टाइप का. ठीक है, आपको पेटीएम या रूपी पे या एक्सेट्रा टाइप का एक ऐप डेवलप करना है, तो ये उनके लिए क्या हो गया, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो गया. तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन माइट बी लाइन या लाइन एंड स्टाफ या फंक्शन हो, उसी विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन आपका एक ऐप चल रहा है जिसका नाम है आपको, जिसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है पेटीएम या जोमैटो या फिर स्विगी, एक ऐप बनाना है आपको, या फिर एक नया ऐप बना रहे हो आप ICSI के लिए, वो ऐप बनेगा, स्टूडेंट ऐप बन रहा है कोई, तो वो क्या होगा उसका पर्टिकुलर, उसके लिए एक ऐप हो गया, वो प्रोजेक्ट हो गया उसके लिए. ठीक है, रीड इट. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सेपरेट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक लाइन, लाइन स्टाफ एंड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रादर सेट अप विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. समझ आया, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसी के अंदर आप अलग से एक काम कर रहे हो आप, ये for the purpose of completing the project or accomplishing the assigned objective in time and within the cost and profit goals and laid down by the management. So usi organization ke within jo line, line staff ya function jo chal raha hai uske andar aapko ek kaam mila ki aapko ek particular project karna, us particular project ke liye aap ek apni deadline decide karte ho, aap is budget decide karta aapka management, aap staff hire karte ho, hai na, ye sare kya hai aapke, this is your project management. Then next para, project management organization may involve development and introduction of new product. जैसे मैंने आपको बताया, example लिख सकते हो यहाँ पर आप any app like Paytm, any etc. app. ठीक है, complete redesigning of existing product. For example, आपके पास एक project आ सकता है कि सर आप Paytm को bank से link करो. You're a software company और आपके पास एक project आया कि Paytm एक existing app बना हुआ है, आप इसको बैंकिंग इंडस्ट्री से, सारे बैंक से लिंक करो इसको, आप इसका ऐसा आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये किस में आएगा, एग्जिस्टिंग ऐप को रीडिजाइन करने में आएगा ये. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, द वन हु विल लुक आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, जो हेड होगा इसका उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोजेक्ट मैनेजर, यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम द मिडल मैनेजमेंट रैंक. तो मिडल मैनेजमेंट पता ना कौन सा होता है, एक होता है टॉप मैनेजमेंट आपका, एक होता है लोअर मैनेजमेंट आपका, और एक होता है मिडल मैनेजर्स लेवल आपका, उसमें से एक आदमी को उठाया जाता है. यही तो होता है हर कंपनी में, जैसे आप मैनेजरियल कैपेसिटी में काम कर रहे हो आप, तो आप सब में से एक एक्सपर्ट को चूज किया जाता है कि मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट पे ये आदमी बेस्ट काम करेगा, तो क्यों ना इस आदमी को पिक करके हम ये प्रोजेक्ट इसको असाइन करते हैं. ऐसे तो ना पुलिस में भी होता है कि केस टू केस डिफर करता है कि ये केस आपको दिया जा रहा है, ये केस आपको दिया जा रहा है, और ये आपको आपकी काबिलियत या आपकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे केस दिया जाता है. व्हाट इज दैट केस, केस इज योर प्रोजेक्ट ओवर हियर. ठीक है, कहां से उठाया जाता है सर, कोई हेड ऑफ पुलिस वो तो आके नहीं देखता ना केस को, आपके मिडिल लेवल इंस्पेक्टर्स में से किसी को केस दिया जाता है स्पेशलाइजेशन बेसिस पे, एंड एज पर देयर पास्ट रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस कि उन्होंने पहले इतना अच्छा काम किया, उनको ये प्रोजेक्ट हम दे सकते हैं. He is responsible for detailing, planning, coordination, controlling, achieving an objective. Or since he is a project manager, he is responsible for all the activities of the management. Management की सारी activities करने के लिए वो responsible है. What are the activities of management? वो ही planning, coordination, directing, etc. Resulting organization structure. Resulting organization structure. The essence of ये अलग है topic.
द एसेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स इंडिपेंडेंट स्टेटस विच कट्स हॉरिजॉन्टली द नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अच्छा सुनिए, आपको मैंने एक बार बताया था कि वॉट इज हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, वॉट इज वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. याद है किसी को? वर्टिकल कनेक्शन और हॉरिजॉन्टल कनेक्शन बता सकता है कोई? एक मैंने एग्जाम्पल दिया था टॉय का. वॉट इज दिस लाइन? ऐसे वाली लाइन कौन सी होती है आपकी? और ऐसा हॉरिजॉन्टल. तो मैंने आपको बताया था कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, ये कनेक्शन कौन सा है? वर्टिकल. आप फाइनेंस मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर, सेम लेवल के, ये क्या है आपका? वंस प्रोजेक्ट इज असाइन टू यू, आपको अगर कोई प्रोजेक्ट असाइन कर दिया ना, तो आप कट हो जाते हो. किससे? आप पर्टिकुलरली अपने आसपास वालों से कट. सर मैनेजमेंट से कट हो गए आप या नहीं हो गए? मैनेजमेंट से कट आप हो नहीं सकते. तो लिखा क्या है? इसका एसेंस क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेटस एंड कट हॉरिजॉन्टली द नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अच्छा इसको समझो आप. जैसे मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टली क्या होता है, इधर और इधर आसपास वाले, और वर्टिकली होता है टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट. आप चाह के भी टॉप मैनेजमेंट से कट हो नहीं सकते. तो वर्टिकली आप कट नहीं होते हो, बट हॉरिजॉन्टली आप कट हो जाते हो. यू आर असाइन विद वन प्रोजेक्ट और पेटीएम लिंक टू द बैंक. सर आप उस कंपनी के अंदर शायद और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस कंपनी के अंदर और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अदर ऐप डेवलपमेंट, स्विगी, जोमैटो या कोई और फूड इंडस्ट्री, उबर ईट्स एक्सेट्रा, उसके ऐप भी वही कंपनी बना रही है. तो क्या वो पर्टिकुलर मैनेजर, वो पर्टिकुलर मैनेजर उन ऐप वाले मैनेजर से भी टच में रहना जरूरी है? क्या उसको और कोई काम करना पड़ेगा? क्या उसको और कोई काम करना है उस कंपनी का एट प्रेजेंट? नहीं करना. उसको खाली एक ही काम करना है, क्या? पेटीएम को बैंक से लिंक करना, दैट्स इट. तो क्या वो अदर कट का मतलब है कि उसको और कोई काम नहीं करना पड़ेगा? ये नहीं पड़ेगा कि कोई उसको देखेगा तो आंखें छुपाएगा, ऐसा नहीं. कट का मतलब सिंपली क्या है? आपको और कोई काम नहीं करना है. यू आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनली फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आप उसी के लिए. तो आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कौन सा कट हो गए? हॉरिजॉन्टली. समझ आया? इसका एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से अपनी कॉपी में, राइट डाउन जो मैंने बताया वो पूरा लिखो. पेन से और हाथों से लिखना है, मुंह से बिल्कुल नहीं लिखना. ओके, लिखा, डन, नेक्स्ट. सो एसेंस क्या है इसका? पर्टिकुलरली आप उस प्रोजेक्ट के लिए ही जाने जाओगे, ठीक है. द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लार्जली लेटरल एंड नॉट द वर्टिकल. मतलब समझ आया? इंफॉर्मेशन किधर से आएगी? एंड दस द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कैरेक्टराइज बाय द एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्किंग रिलेशनशिप. कौन से रिलेशनशिप होंगे इनके? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्किंग रिलेशनशिप. अब आपस में जो प्रोजेक्ट वाली टीम है, मतलब द टीम विद इन दैट प्रोजेक्ट शैल हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, नॉट विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज, बट विद इन दैट डिपार्टमेंट उनके स्ट्रॉन्ग होंगे. For the instance, major project development calls closing working relationship between the engineers, project and marketing department and with the employer and which are same level organization hierarchy. However, frequent product changes and decisions affecting cost requirement communication with the supervisor, superiors. So frequent, agar us project mein change honge, to definitely problems. Abhi kabhi kehte ho, is bank se karna, kabhi nahi karna, kabhi karna, kabhi nahi karna. So definitely it will create some problem for you. Okay. नेक्स्ट, नीचे एक जनरल जो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक आपको बना के दिया ड्रैग्रामेटिकली किस तरीके से दिखेगा. जनरल मैनेजर होएगा तो प्रोडक्शन, इंजीनियर, अकाउंट्स एंड मार्केटिंग रहेगा. मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट एंड मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट बी, ये दो अलग ही मान ली. मतलब ये चार डिपार्टमेंट आपके अलग है,
इन चार में से किसी की भी एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को मुझे अच्छा लगा कि वो काबिल है, कैपेबल है, उसके अंदर अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैंने उसको उठा के अलग से अपना एक अलग ही एक मैंने अलग से अपना उसका एक हायरार्की सेट कर दिया, उसको पूरा प्रोजेक्ट उसके हवाले कर दिया। अब आप उस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी टीम बनाओ। यू हैव नो रिलेशन विद प्रोजेक्शन, इंजीनियर, अकाउंट और मार्केटिंग, आपका कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हो कोई भी उसमें लिंकेज नहीं, यू आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू जनरल मैनेजर। क्लियर, डन। आपका प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का भी आपस में कोई लिंक नहीं है। इज इट क्लियर? यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद जस्ट योर जनरल मैनेजर, और इफ यू हैव अ टीम, मैनेज प्रोजेक्ट में टीम है उससे होगा आपका। क्लियर? आई थिंक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लर्न हो गया, याद हो गया। ठीक है, ये था आई थिंक 12th में आपने ये नहीं पढ़ा ना पहले, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स, पढ़ा पहले। अच्छा, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? मैट्रिक्स वर्ड क्या डिनोट करता है इंग्लिश का, कोई बता सकता है? व्हाट डस, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैट्रिक्स? सुना है पहले सबने, क्या होता है? मूवी भी आ गई है इसकी, तो क्या उसका, उसमें क्या था? व्हाई द मूवी नेम वॉज मैट्रिक्स, और व्हाई दिस इज मैट्रिक्स, और व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैट्रिक्स? कुछ गलत बता दू, कोई ऐसा वो नहीं है। क्या स्पेशलिटी है उसकी? सबसे इजी चैप्टर होता है, डेमो में वही करवाया जाता है। ओके, एनीथिंग। अच्छा, मैट्रिक्स में बताता हूँ कैसा रहता है, मतलब इंग्लिश मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट गोज लाइक दिस 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 दिस, ये होता है मैट्रिक्स। मतलब सर पता नहीं किसको कौन रिपोर्ट कर रहा है। समझ आ गया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे? जिसमें बहुत सारे हेड, बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारी हायरार्की, किसको कौन क्या कर रहा है, कुछ एक बैलेंस नहीं है यहाँ पर। दो हर चीज बनी हुई है, डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, बट सब इंटरलिंक्ड होते हैं यहाँ पर, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अब मैट्रिक्स मूवी बनी थी, उसमें क्या था, अगर आपने देखी हो नहीं देखी हो, व्हाई द नेम वाज मैट्रिक्स ऑफ दैट मूवी, इट वाज मीनिंगफुल नेम बिकॉज जो उसमें इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन बाइक राइडिंग, तो बाइक्स कैसे चलाते थे उसमें, उल्टी सीधी रॉन्ग वन वे कैसा भी करते थे उसमें, तो दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड एट मैट्रिक्स। दैट इज कोई भी इसमें सिस्टम नहीं था, रूल्स कोई सेट रूल्स प्रोसीजर नहीं थे। यहाँ थोड़ा सा अलग है वो मैट्रिक्स, बट हाँ यू कैन टेक दिस एसेंस वाला, हल्का सा समझ सकते हैं इसको लेके आगे बढ़ते हैं हम। यूनियन वॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच हैज रिसीव कंसिडरेबल अटेंशन इन द वेस्ट इज द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एज वेल एज with product and project organization. Okay, in the matrix organization, the functional departments like manufacturing, marketing, accounting and personnel constitute the vertical chain of command. Vertical chain kaisa rahega? Vertical, vertical kaise hoti hai? Vertical aise hoti hai na, yaad rakhna ye cheez, theek hai? Vertical rahega ye aapka, bhul jate ho aap, vertical ho, ठीक है, अभी याद रहेगा। तो इसमें कौन सी स्टार्ट, इंडिया में क्या चलता है, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यही तो चलते हैं, इधर हेड बैठा है, वर्टिकल है ना ये सारा हमारा, तो वेस्ट में हमारे यहाँ कौन सा सबसे ज्यादा चलता है, वर्टिकल चलता है कमांड। व्हाइल द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोडक्शन डिविजन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कमांड, और कमांड कहाँ से जाती है, हॉरिजॉन्टल मैनेजर आपस में, कमांड किस तरीके से दी जा रही है, हॉरिजॉन्टल वे पे कमांड चल रही है, ऊपर से कमांड आती है, कमांड ऊपर से रहेगी आपकी 101%। बट हमारे यहाँ क्या रहता है, एक आदमी मैनेजर एक है, वो प्रोडक्शन भी देखता है, वो सेल्स भी देख रहा है, वो मार्केटिंग भी देख रहा है, प्लस वो सुपरवाइजर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता है। ऐसा ही तो होता है, एक नॉर्मल मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर बना दिया जाता है, उस मैनेजर को बोला जाता है तुम सेल्स का भी ध्यान रखना, इस टीम को उस टीम को भी ध्यान रखना, और एडमिन भी करना कि कोई काम नहीं कर रहा तो मुझे रिपोर्ट कर देना आके। अथॉरिटी तो ऊपर से फ्लो हो रही है, बट ये आदमी सब कुछ कैटर करते हैं, ये सुपरवाइजर जो होते हैं। आप अगर बैंकेट हॉल इवेंट मैनेजर्स में देखोगे, बेसिकली आपको एग्जाम्पल मिलेगा वहां पर, वहां पर आपको इवेंट मैनेजर्स बना दिए जाते हैं जो ब्लैक कोट में खड़े रहते हैं आपके बहुत सारे। वो क्या करते हैं, वो सबको एक कमांड देते हैं हर किसी को, those if you have seen ever, तो walkie talkie रखते हैं, they all have same hierarchy, उनके ऊपर से कमांड आती है, और वो लोग जितने भी है 5, 7, 10 जो भी वो होते हैं, वो आपस में सब वेटर को कमांड दे सकते हैं, किसी भी वेटर को ये और दे है वो असाइन टीम और दे है ना, वो किसी को भी कमांड दे सकते हैं वहां पर, और आपस में भी वो कमांड शेयर
करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल हो गया वो। आया समझ में? एग्जांपल दे रहा हूं, लिखो वो एग्जांपल, एग्जांपल खाली नाम लिख लिया करो, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी करते हैं, फिर और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो इन द मैट्रिक क्वेश्चन द फंक्शनल डिपार्टमेंट लाइक मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग अकाउंटिंग पर्सनल कॉन्स्टिट्यूट अ वर्टिकल चेन ऑफ कमांड व्हाइल द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोडक्शन डिवीजन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कमांड। तो मैन्युफैक्चरिंग का कमांड कहां से आता है? टॉप से। मार्केटिंग का टॉप से, मतलब बड़े काम किधर से? टॉप से। और छोटे मोटे आपस में हम खुद कर लेते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में आपस में हम कमिंग आपस में खुद करते हैं, ठीक है। एक बार पैरा करते हैं। वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी मतलब स्ट्रेट ऊपर से, वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी आर कट हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट लाइन डिवीजन। जो ऊपर से कमांड आ रही होती है ना, दे मेक्स अ कट बिटवीन। समझ आ गया कैसे? इफ यू कैन जस्ट एग्जांपल मैंने दिया उसको ध्यान रखो। ऊपर से कमांड आ रही है वो बीच में, तो मैंने आपको कहा कोई भी आपस में किसी को भी कोई भी कमांड दे देता है, तो मैट्रिक्स हो गया कि कोई चीज सेटल डाउन नहीं है। आगे नेक्स्ट पैरा, मैट्रिक्स और द टास्क फोर्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। तो मैंने आपको क्या कहा, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग आपस में सेम लेवल वाले इंटरेक्ट करते हैं। हु आर असाइंड अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और प्रोडक्शन डिवीजन एंड आर कंसिडर्ड बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द वर्क। द प्रोजेक्ट मैनेजर और डिविजनल मैनेजर यूजुअली रिपोर्ट्स टू चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ठीक। एक बार जल्दी से डायग्राम देखेंगे पहले। चीफ एग्जीक्यूटिव एक हेड है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग अकाउंटिंग और पर्सनल, चार टॉप हेड बना दिया उसने जो वर्टिकल दिखा रहे हैं। अब ये वर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप 1, 2, 3 को दे रहा है। ध्यान से देखो, प्रोजेक्ट ए है इधर, हॉरिजॉन्टली क्या है प्रोजेक्ट और वर्टिकली क्या है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देखें, अगर प्रोजेक्ट ए में मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोजेक्ट ए में मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग का हेड देख रहा है। प्रोजेक्ट बी का भी मैन्युफैक्चरिंग है, उसको भी कौन देख रहा है? मैन्युफैक्चरिंग, तो हॉरिजॉन्टल हो गया। मैंने क्या कहा, प्रोजेक्ट में हॉरिजॉन्टली चल रहा है बट डिपार्टमेंट में वर्टिकली चल रहा है, चला ठीक है। और प्रोजेक्ट सी में, अब आप इसको ऐसा रखो, मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा टिंट कर दो ये साइड में, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, तो क्या ये इसके ऊपर एक हेड है? इसको ऐसा कर दो, प्रोजेक्ट ए मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी तीन है आपस में, ये क्या है हॉरिजॉन्टल। ऐसा नहीं करना कि सर आपने मोड़ दिया तो हॉरिजॉन्टल होएगा ही, समझा रहा हूं, समझो ध्यान से। अगर आपने उसको डिपार्टमेंट को हॉरिजॉन्टली रखा, ठीक है, तो क्या आपस में तीनों मैनेजर बात कर सकते हैं? तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक ही मानी जा रही है, क्योंकि इसका वर्टिकल जो हेड है वो एक है, ठीक है, समझ आ गया। तो अगर आप इसको देखेंगे वर्टिकली, तो टॉप टू डाउन देखो, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग अकाउंटिंग पर्सनल एक है अपना अपना, और ये साइड से देखो प्रोजेक्ट साइड से अगर आप, ठीक है, तो इनका प्रोजेक्ट हेड एक ही है। वर्टिकली दे आर इंटरकनेक्टेड, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दे आर इंटरकनेक्टेड, और वर्टिकली इनका एक ही हेड है। तो ये मिक्स है बाकी ऑर्गेनाइजेशन का, वेर यू कैन से इफ यू सी द डिपार्टमेंट इट इज वर्टिकल, इफ यू सी द प्रोजेक्ट इट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हाँ, आप पूछिए सवाल, हो गया कोई और कोई सवाल किसी का? तो एग्जांपल्स लिख लो, क्योंकि पेपर थोड़े समय बाद है अगर आपके, तो भूल जाओगे ये बातें, ठीक है। मैट्रिक्स थोड़ा सा होता ऐसा ही है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें कभी भी, क्योंकि एज आई सेड मैट्रिक्स इज कौन क्या कर रहा है नहीं पता चलता, तो मैट्रिक्स में जो बताया उतना याद रखना, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली को ध्यान रखना, ठीक है। इफ यू वॉन्ट एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, वही सेम लाइन देखते हैं। मैट्रिक फंक्शनल डिपार्टमेंट लाइक मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शनल डिपार्टमेंट, तो फंक्शनल कौन से हो गए, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग एडमिन पर्सोनल, पर्सोनल कंस्टिट्यूट द वर्टिकल चेन ऑफ कमांड, इनमें वर्टिकल है ऊपर से। वाइल द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1, 2, 3 और द प्रोडक्ट डिवीजन, जो हमारी डिवीजन 1, 2, 3 फॉर्म द हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कमांड, वो आपस में कमांड क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, क्लियर।
एडवांटेज क्या है? मेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन टू ड्राइव द बेनिफिट फॉर द बोथ. सर सबसे पहले सिंपल हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो कॉस्ट कटिंग होती है इसमें बहुत ज्यादा. व्हाई कॉस्ट कटिंग इज हाईएस्ट लेवल? बिकॉज मैनेजर एक है. तो मैंने एक क्लास में और भी बताया था, या तो आप अलग अलग हायर करो सबके लिए, क्यों ना हमको ग्रुप बना के एक ही आदमी को कर दो, या तो मैं सबको एक को अलग अलग पढ़ाऊं आधा आधा घंटा, तो मुझे दिन के 15 घंटे 20-30 घंटे देने पड़ेंगे, क्यों ना सबको एक साथ करके और एक हेड बना दूं और वो पढ़ाएगा. तो डोंट यू थिंक मैं कॉस्ट कटिंग कर रहा हूं बहुत सारी? मुझे जब आधा घंटा देना है, एक तो बेटर हो सकता है आधे की जगह 1 घंटा दूंगा, है ना, और 1 घंटा देने के बावजूद मैं अपने करीब करीब 14 घंटे बचा लूंगा, तो बेटर इफेक्टिवनेस हुई. आया समझ? कैसे? अगर मैं कहता हूं 30 हो, सबको हाफ एन आवर देना है, तो कैसा रहेगा? 30 घंटे 15 घंटे. क्यों ना सबको एक साथ बिठा के और 1 घंटा दे दूं? इट विल सेव माय टाइम एंड द कस्टमर आल्सो बी सैटिस्फाइड. क्यों? मेरा काम और इफेक्टिव वे से हो रहा है, समय ज्यादा दे रहा हूं और मैं अपना भी पैसा बचा रहा हूं. और 15 घंटों के ज्यादा पैसा हायर करे लेगा पर्सनल या फिर 1 घंटे के? 15 घंटों को लेगा ना, 1 घंटे के तो कम नहीं, 1 घंटे के ज्यादा लेगा ना, 1 घंटे के ज्यादा लेगा और 15 घंटों के. ठीक है, got this point? तो इफेक्टिव इसलिए हो जाता है एक. तो बेनिफिट्स आ रहे हैं बोथ हॉरिजॉन्टल, बोथ फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी बेनिफिट है एंड द डिविजनल स्ट्रक्चर. इट हेल्प्स टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन एज वेल एज लेटरल कोऑर्डिनेशन. हाउ कम इट्स स्पेशलाइजेशन को कैसे ये प्रमोट कर रहा है, समझे? स्पेशलाइजेशन को कैसे? सर वो जो एक मैनेजर का हेड है ना, उसका भी एक ही काम है, उस यूनिट को देखना बस. तो वो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज नहीं हो जाएगा फाइनेंस वाला, क्योंकि सर वो तीन तीन यूनिट इतने इतने आदमी को. अगर मैं सारा दिन मैनेजमेंट पढ़ाऊं, ये गया वो आया, मैं लॉ पढ़ाऊं सारा दिन, तो ऑब्वियसली माई स्पेशलाइजेशन विल बी लॉ. जितना ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा स्पेशलाइज होता जाऊंगा. मोर द स्टूडेंट आई विल इंटरेक्ट, मोर आई विल हैव अ नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स, तो स्पेशलाइजेशन बेटर ही है. और एक जो आदमी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा है थोड़ा सा कम रहेगा, तो स्पेशलाइजेशन डेवलप होती है आपकी एक चीज से. या फिर डेली अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाओ, मतलब आज लॉ कल मैनेजमेंट परसों मैथ्स फिर ऐसा, एक ही आदमी स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी. शायद लॉन्ग टर्म में शायद उसको सब में आ जाए, पर शॉर्ट रन में उसके पास एक स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी. देन हाउएवर इफ इट सफर्स फ्रॉम सेवरल लिमिटेशंस, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप इंपेयर द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी. थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और समय का मैनेजमेंट खराब हो जाता है. द सेकेंड एंड स्पेशल सेकेंड सेगमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑफ द फंक्शनल डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मेक्स इट डिफिकल्ट टू फंक्शन. जितने ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे उतना एक आदमी तो हैंडल मुश्किल, धीरे 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 एफिशियंसी गिर जाएगी आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट में. सो डिसएग्रीमेंट बिटवीन द प्रोजेक्ट टीम्स एंड फंक्शनल डिपार्टमेंट. जरूरी तो नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट 1, 2 और 3 आपस में मिलकर काम करें, नहीं है ना जरूरी. तो वो क्या होगा, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मल्टीपल प्रोजेक्ट टीम्स विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट्स. क्लियर है ये? आया मैट्रिक्स समझ क्या होता है और उसके फायदे क्या है? पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, एफिशिएंसी होगी. नुकसान क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे एंड विद द इंक्रीज नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स आपका एफिशिएंसी सर्टेनली कम हो जाएगी. इज दिस क्लियर? What is थोड़ा इजी आगे सारा है. What is informal organization? Informal organization का मतलब होता है those organization which basically informal organizations. So informal organization वैसे कोई organization का नाम नहीं है, but basically the behavior of the person within the organization is becomes informal. So while you are working for a long term in the organization, you become informal with your subordinates and superiors, and आप अपने colleagues के साथ informal हो जाते हो. Informal organization has advantage as well as disadvantage. Advantage of informal organization is basically it has a speedy work. जैसे for example if अगर आपका किसी से अपने कलीग से बॉन्ड अच्छा है तो आप क्या कहोगे, जो मेरा काम कर देगा, ठीक है? वो नहीं भी कहेगा ना, क्या कहोगे, चुपचाप कर देना, ठीक है? यही अगर आपको न्यू फर्स्ट टाइम आप किसी से मिल रहे हो, पहला दिन जॉब पे गए हो, कैन यू से दैट काम कर गया मेरा,
ठीक है, नहीं होगा ना, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपके रिलेशन डेवलप होने की वजह से आप जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके सबके साथ रिलेशन है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये काम करेगा आपका, आया समझ। दूसरा और ज्यादा फायदा, आपका बॉस सुपीरियर बैठा हुआ है, अगर बहुत ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप नीचे हो, आप यहां से यहां इसको बोलोगे छुट्टी के लिए, फिर इसको ये यहाँ और ये यहाँ और ये फिर यहाँ, टाइम लग रहा है, वापस आएगा रिप्लाई आपके पास डायरेक्ट नहीं आ रहा, वो भी टाइम लग रहा है, क्यों ना आप सीधा बॉस के पास चले जाओ, ठीक है, टाइम बच गया आपका। बार बार परमिशंस लेनी होती है आपको काम करने के दौरान, बहुत सारे परमिशन लेने होते हैं बॉस से, तो परमिशन के लिए चेन मेल चलता है, मैं मैनेजर को बोलूंगा, असिस्टेंट मैनेजर को बोलूंगा, वो सीनियर मैनेजर को बोलेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को बोलेगा, वाइस प्रेसिडेंट हेड को बोलेगा, और सो इज रिप्लाई आएगा, आधी इंफॉर्मेशन तो कट जाएगी, एंड शायद मैं जिस फील से समझा पाऊंगा, मतलब मैं जो चीज एक्चुअल वर्क कर रहा हूं तो वो जो चीज मैं समझा पाऊंगा, शायद वो वीपी ना समझा पाए, क्योंकि वो ऑफिस में बैठा है और मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, राइट। तो इनफॉर्मल का फायदा क्या होता है, आपको एक स्पीडी बेसिस पे काम मिलता है और इंस्टेंट फीडबैक मिलता है आपको, कैसे, कई बार मैनेजर रिप्लाई, आप मैनेजर को रिप्लाई मिल चुका होता है, मैनेजर आपको रिप्लाई नहीं करता, हाँ करेंगे, देखेंगे 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 चल रहा है, बट अगर आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट बॉस के पास गए, बॉस का इंस्टेंट फीडबैक मिला, क्या आप उसको कन्विंस कर सकते हो अपने पर्सनल बेसिस पे भी। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्स, कभी कभार आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी बहुत काम आते हैं सर, अगर आप उसको कन्विंस करो, मैं करके दिखा दूंगा सर, आप मेरे ऊपर भरोसा करो, इतना आपका वीपी नहीं लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वीपी बन चुका है, प्रमोशन की जरूरत आपको है, वीपी को पता है वो बॉस मालिक तो नहीं बनेगा अभी, उसको नेक्स्ट ईयर जॉब छोड़नी है, रिटायर होना है या ट्रांसफर लेना है, वो क्यों इतनी माथापच्ची करेगा। आप अभी स्टार्टिंग लेवल ऑफ करियर पे हो, आपको चाहिए कि मैं और मेहनत करूं, प्रमोशंस लूं, तो क्या आप एफर्ट्स डालोगे और आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लोगे बेसिकली जो शायद इम्पॉसिबल हो, और आप अपने 100% देके उनको सक्सेस करके प्रमोशन लेना चाहोगे। वीपी कभी रिस्क नहीं लेगा, ही विल नेवर, क्योंकि उसका रिटायरमेंट टाइम है, वो एक अपने ऊपर नहीं हुआ तो थप्पा, सैलरी तो बढ़नी नहीं है, वो अब एक टैग लेके नहीं जाएगा। तो डोंट यू थिंक एक इनफॉर्मल रिलेशन में स्पीड है, रिप्लाई का स्पीड है, और एफिशिएंसी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट सर्टेनली देयर आर डिसएडवांटेज एज वेल। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, रूमर्स, गॉसिपिंग, वेस्टेज ऑफ टाइम, और सर आप जब नई नई क्लास ज्वाइन करते हो तो पढ़ते हो, ठीक है, धीरे 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 पहला इतना होते हो, फिर धीरे 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 फैलते रहते हो, एंड दैट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एफिशिएंसी। पहले मैं जब जनरल ने बैचे ज्वाइन स्टार्ट होते ना, किताब खोल के बैठे पढ़ रहे होते, अब क्या दोस्त बन जाएंगे, तो धीरे धीरे आप क्या करते हो, वेस्टेज ऑफ टाइम अलॉट। सो इज इन द ऑफिस, जब आप फर्स्ट टाइम ऑफिस ज्वाइन करते हो, यू गिव योर 100% टू द ऑफिस, और कुछ है ही नहीं करने को ना, मोबाइल लॉकर में रख दिया, या है भी तो यू डोंट टच, ठीक है। धीरे 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 आपका सर्कल वर्क प्लेस पे बढ़ा, वर्क प्लेस पे बढ़ा तो लंच जो पहले 20 मिनट्स में खत्म करके सीट पे आके बैठ जाते थे, अब वो आधे घंटे से भी क्रॉस होके 40-50 मिनट्स में जा रहा है, विच इज इंक्रीज डिक्रीजिंग योर एफिशिएंसी। ड्यूरिंग द वर्क आवर्स ऑल्सो आप हंस रहे हो, फोन अटेंड कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, ये सब कॉर्पोरेट्स में देखने को मिलता है। सो इनफॉर्मल ऑल्सो डिक्रीज योर एफिशिएंसी एज वेल इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है। एंड ऑल्सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काफी रूमर्स फैलते हैं, क्योंकि फैक्ट तो कोई श्योरिटी तो कुछ है नहीं, रूमर्स है आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल इधर बोला हाँ बोला हाँ, होते होते तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हाँ है, कोई चीज अगर यहां से स्टार्ट होगी मुझे लगता है, वो कहेगा मुझे नहीं लगता, हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, एंड होते होते पक्का है, ठीक है पक्का है। तो कुछ ऐसे रूमर्स बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया भी, आपके पास सोशल मीडिया भी तो काफी स्ट्रॉन्ग है इन रूमर्स को फैलाने के लिए, तो रूमर्स फैला देते हैं इस टाइप के, है ना। तो इनफॉर्मल के फायदे भी हैं और नुकसान भी, दोनों चीजें होती हैं। देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन पीपल दैट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोसीजर बट ऑन द पर्सनल एटीट्यूड। अच्छा, इनफॉर्मल में जरूरी नहीं आपका सबके साथ रिलेशन हो, You may have relation with only that person with whom you want, जिससे मेरा मन मानता उससे रखूंगा ना मैं तो रिलेशनशिप। तो ये बेस किस पे होते हैं, पहले लाइन को अंडरलाइन कर लो एग्जाम के लिए, आप अपना बेस्ड ऑन
ये कोई प्रोसीजर नहीं डिफाइंड है इनका इनफॉर्मल का, ये बेसिकली किस पे बेस्ड होते हैं आपके पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर बेस्ड होते हैं। लाइक पर्सनल एटीट्यूड कैसे, जब ऑफिस में बहुत सारे लोगों को देखोगे, जब आप ऑफिस में जॉब करोगे, लॉट ऑफ पीपल विल बी देयर हु आर नॉट एट ऑल विलिंग टू टॉक, वो अपना काम करने हैं, काम की ओर गए, उनको कोई लेना देना नहीं ऑफिस में आग लगे, बट यू विल फाइंड सच पीपल हु विल सिट अराउंड और उनको काम से ज्यादा उनकी आंखें चलती है, इधर कौन खाली खड़ा है जाके बात करते हैं और आप कहाँ रहते हो अच्छा आपके बच्चे क्या, बीवी क्या करती है, हस्बैंड क्या करता है, ठीक है आप यहाँ हो, सैलरी अच्छी नहीं दे रहे, कुछ उनके पास टॉपिक होते हैं हमेशा, सैलरी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो सामने वाले कहेगा ओके मतलब ठीक है, मुझे लग रहा है कि ठीक है सैलरी, मतलब यू स्टिल इन्फ्लुएंस, नहीं मेरा एक फ्रेंड वहाँ काम कर रहा है भी नहीं शायद, ठीक है मेरा एक फ्रेंड वहाँ काम कर रहा है, उसकी सैलरी ज़्यादा अच्छी है, हमारे यहाँ तो ना छुट्टी नहीं मिलती है, इस टाइप के टॉपिक्स विच आर बेसिकली गॉसिपिंग, जिसको आप कह रहे हो गॉसिपिंग, ये गॉसिप है, ये गॉसिप धीरे धीरे क्या बन जाती है रूमर, और रूमर धीरे धीरे क्या बन जाती है फैक्ट्स, और उससे क्या होता है नुकसान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारे हिंदी में बोला जाता है कान के कच्चे, समझते हो कौन होते हैं वो, है ना, उनके लिए घाटा हो जाता है, वो इनोसेंट लोग, वो इनोसेंट कंपनी में काम करने वाले लोग वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं, व्हेन आई यूज्ड टू डू जॉब, मैं जॉब करता था, आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द यूएस मल्टीनेशनल कंपनी, सो देयर वाज आई यूज्ड टू हैव अ नेचर लाइक दैट, दैट अपना काम पे जाओ आ जाओ, आपके अगर साथ में गाड़ी मिलती थी ऑफिस से हमें, तो अगर वो ड्राइवर अगर मेरे को 1.5 साल भी लेके गया अगर, तो मुझे आज तक उसका शायद नाम भी नहीं पता होगा, बाकी ऐसे होते थे ड्राइवरों के घर, उनके बीवी बच्चे स्कूल परसेंटेज बच्चों की वो तक पता होती थी, ठीक है। आई हैड अ नेचर कि मुझे ये भी नहीं पता उसका नाम क्या है, अपना फोन आया आओ बात खत्म, ठीक है। तो देयर वर फ्यू पीपल जिनका कुछ होता है सर, हम हर टाइप का अलग नेचर होता है, मेरा बेकार भी है शायद, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, कुछ को अच्छा भी लगेगा ये। सो देयर वाज वन ऑफ द वुमन हु यूज्ड टू हैव नेचर लाइक कि उसको सबसे बात करनी है, मतलब सबसे मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एक्सटेंडेड, मतलब मुझे लगता है अगर उसका बस चलता तो दीवार तोड़ के साथ वाली कंपनी के लोगों से बात कर लेती, इतनी ज्यादा बातें उसके पास, इतनी बातें उसके पास की खत्म नहीं होती, कहां से आती इतनी बातें समझ नहीं आती, मतलब कैसे आप इतना इंस्टेंटली, और काम में जीरो, एक फैक्ट है ये लोग काम में जीरो होते हैं, एफिशिएंसी इनकी जीरो पे रहती है, क्योंकि दिमाग का, भगवान ने दिमाग तो इतना ही दिया ना, कहां यूज करोगे आप, ठीक है। सो व्हाट शी यूज्ड टू डू, शी यूज्ड टू टॉक टू एवरीवन, धीरे 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 शी डेवलप्ड अ लॉट ऑफ, जबकि शी जॉइंड अ लॉट लेटर देन मी, ठीक है, एंड शी डेवलप्ड रिलेशन लाइक दैट कि जब वो एंट्री करती थी तो चौकीदार उसको और मैडम कैसे हो, ठीक है, साथ में आई यूज्ड टू एंटर तो वो बस ऐसा स्माइल करके अपना ठीक है हम आगे अंदर, उसके बाद में मान लो जो कार्ड पंच करना होता है वहां पर अलग से गार्ड होता था, और मैडम आज लेट आए हो क्या बात है, ठीक है, और अच्छा आज खाना साथ में लेके आए हो, हम साथ साथ में चल रहे होते थे, हमें कुछ नहीं पूछा, हम चले गए अंदर, फिर उसके बाद में ऑफिस में एंट्री हुई तो दूसरा डिपार्टमेंट होता था उसके थ्रू एंट्री चलती थी, एक डिपार्टमेंट आगे मान लो कोई और बैठा है हमारे डिपार्टमेंट लास्ट, तो वो जो दूसरा डिपार्टमेंट के अंदर से कैबिनेट्स में से घूम के जाना पड़ता था, उसमें ऐसा होता था अरे आप अभी आयो, ये आयो, आज तो बड़ा अच्छा कलर पहना है ये वो, और उस डिपार्टमेंट पहुंचते पहुंचते 20-25 मिनट लग जाते थे, क्योंकि अब आपको जो कोई बोल रहा है आपको भी तो बोलना है वापस, आपका कलर, आपके बाल, आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपकी वाइफ कैसी है, आज खाना वहां खाएंगे, ये चलेंगे, वो करते करते आधा घंटा तो लगेगा वहां पहुंचने में, इतने में ये भाई साहब वहां अपने डेस्क पे पहुंच के आधा काम निपटा चुके होते थे, क्योंकि मॉर्निंग एफिशिएंसी अच्छी होती है आपकी, ठीक है काम निपटा दिया, अब वो वहां पहुंचे, अपनी टीम भी तो है, वो तो अपना परिवार है, ठीक है उससे पूरा चाहिए, तो वो अपना एक पूरा एक जिसको बोलते हैं ना हिंदी में कुटुंब, ठीक है कुम्मा क्या बोलते हैं उसको, कुटुंब वो बनाया हुआ था वहां पर पूरा, मतलब यू आर माय सिस्टर, यू आर माय ब्रदर, एंड आई हैव अ नेचर लाइक कि इधर ऐसा जिप ना हंसी ना कोई गुस्सा कुछ नहीं, ऐसा चुपचाप बैठना लैपटॉप पे अपना बैठो काम करो वापस आ जाओ। ये क्या करते थे, ये ऐसे लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली अपना रिलेशन डेवलप करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट, दे जस्ट मेक पीपल, वो अपने फॉलोअर बनाते हैं, इस दौरान उनके और भी दोस्त, अब जैसे वो इनोसेंट लोग होते हैं ना उनके फॉलोअर बन जाते हैं, जो छोटे इनोसेंट होते हैं उनका लगता है बस यही भगवान है, ठीक है। अब इस दौरान वो क्या करते हैं कि वो अपना फॉलोअर बन गए, अब बाय द टाइम, अब उसकी मैं रियल लाइफ जो बता रहा हूँ, उनकी किसी कजन सिस्टर को जॉब चाहिए थे,
देयर वाज अ इनोसेंट बॉय, वो एक लड़का था इनोसेंट, उसको डेली डेली आप डेली एक बात कहोगे ना किसी को, अगर मोटे को बोलो तू पतला है तू पतला है तू पतला है, वो विश्वास करने लग जाएगा मैं पतला हूं, ठीक है। तो उस लड़के को बोला जाता था डेली, अब ठीक है वो चुपचाप था अपना चला गया और लंच टाइम पे साथ में चले गए, टीम सारी लंच कर रही होती थी और सारे वहीं बैठ के लंच करते थे। आई वो सीनियर मैनेजर, मेरे नीचे की टीम थी ये सारी, ये जो थे सारे मेरे नीचे थे, तो अगर मैं चाहता तो बोल सकता था कि ये सब नहीं करना आपको टाइम से, बट मुझे लगता था कर ले मुझे क्या करना है, मतलब हाउ डज दैट मैटर टू मी, करते रहो क्या करना। तो बॉस ऑलवेज शुड हैव अ नेचर, जब भी आप बॉस बनो कीप क्वाइट, चुप रहो, ठीक है। अगर टीम को साथ में लेके चलना है चुप रहो, चिक चिक नहीं करो, नहीं तो द डे इज नॉट फार कि आप भी विक्टिम बन जाओगे, बॉस अच्छा नहीं है, ठीक है। सो दैट बॉय हू वाज बेसिकली वेरी नॉर्मल, नॉर्मल भी नहीं, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का जो मेहनत से पहुंचा था वहां पर पढ़ लिख के, थोड़ी सैलरी लेता था। Then he came to me one day that sir I'm quitting the job. I said why? What happened? So sir मेरे resignation letter आप accept कर लीजिए। मैंने कहा भाई क्या हुआ बता तो से। He was like नहीं सर I'm not happy with the salary and I'm not happy with the working hours. तो मैंने कहा क्या 8 घंटे से कम कर दे तेरे working hours? आओ मुंह दिखा के चले जाओ, ऐसा करना है, काम तो करना पड़ेगा। He was chartered accountant। मैंने कहा काम तो करना पड़ेगा ना। So was like नहीं सर आई एम नॉट हैप्पी, मेरे फ्रेंड यहाँ काम करते हैं उनको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। सो एक हमेशा ना मेरा नेचर है कि जो जाता है ना उसको जाने दो एक बार, नहीं तो लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा कि शायद मैं चला जाता तो अच्छा होता। ही लेफ्ट द जॉब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 to 3 days अनदर लेडी केम टू मी फॉर इंटरव्यू विद द रेफरेंस। एक एम्प्लॉय रेफरेंस होता है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग सुना ना इंटरव्यू। तो वो लेडी जो थी, जो वो हमारी राजनीतिज्ञ जो थी, ठीक है, उनके रेफरेंस से आई। अच्छा रेफरेंस के पैसे मिलते हैं, मतलब 50-60-70 हज़ार रुपया, स्कूटी कुछ मिलता था कंपनीज के अंदर कि अगर आप एम्प्लॉय लेके आओगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, आज भी मिलते हैं। एम्प्लॉय अगर मैं जॉब लगवाऊंगा कहीं पर तो मुझे भी लगेंगे, मिलेंगे पैसे, कॉन्टेक्ट होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद में, अब उसने जॉब लगवाई उसको पैसे मिले, उसकी कुछ महीने की परसेंटेज की सैलरी उसको भी मिली कंपनी की तरफ से। वो लेडी जो थी द गर्ल, वो उसकी सिस्टर थी जिसकी जॉब लगी। आफ्टर 3-4 months दैट बॉय अगेन कॉल्ड मी अप कि सर कोई जॉब हो तो मेरे को बता दो। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहता सर आई एम सिटिंग आइडल सिंस दैट टाइम एंड माय फैमिली नीड्स अ लॉट, मतलब पैसे की जरूरत में फैमिली, ही वाज द ओनली फेलो वाज अर्निंग। मैंने कहा इतनी अच्छी जॉब थी आपकी, ही वाज सपोज टू ट्रेवल US। वो मेरे मन में डिसाइडेड था, मतलब आई वाज सपोज टू सेंड 2 पीपल, हर 2 लोगों को हर साल हमें US भेजना पड़ता था। तो उसमें से आई थॉट दैट ही इज द, बिकॉज आप हमेशा ना इनोसेंट लोग जो होंगे ना आप उनको सपोर्ट करना चाहोगे। तो आई यूज टू थिंक दैट ही इज इनोसेंट फेलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वेरी हार्ड वर्किंग, इसको US भेजा जाए। सो जो आने वाले 3 से 4 महीनों में उसको US ट्रेवल करवाना था आफ्टर लुकिंग एट सम पैरामीटर्स एंड ऑल दैट। लुक कहाँ पर पड़ा था अभी वो, बिना जॉब के अपने घर पे, ठीक है, किस वजह से? जस्ट बिकॉज ही वॉज इनोसेंट, जस्ट बिकॉज ही वॉज इनोसेंट। सो इनोसेंट होना गलत नहीं है, बट इनोसेंट के साथ कच्चे कान होना बहुत बड़ा गुना, वो नहीं होना चाहिए। तो वॉट दैट गर्ल डिड, उसने बेसिकली डेली उसको बोलते थे कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, ये वो फलाने का ना, तो उसके दिमाग में बैठे कंपनी अच्छी नहीं है, मार्केट में बहुत जॉब है। वॉट इट डिड, ही रिजाइन फ्रॉम द जॉब विदाउट हैविंग अनदर जॉब इन द हैंड। दूसरी जॉब हुए बिना उसने रिजाइन कर दिया। अल्टीमेटली डिसीजन वॉज ही सिटिंग एट होम। और उस जॉब पे कौन आ गया? उसकी सिस्टर आ गई, ठीक है, जिससे कि 2 फायदे प्लस सिस्टर प्लेस और उनका सर्कल और बड़ा हो गया। अब 2 जने मिलके करते थे, ठीक है, बहन तो बहन ही है, ठीक है, अब 2 जने मिलके करते हैं। तो हमेशा क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्म रिलेशनशिप बनाओ, बट एक फुल स्टॉप लगाना सीखो, वेयर टू ड्रॉ द फाइन लाइन, यू शुड नो दैट where to draw the fine line। Basic purpose मत भूलो कभी भी, जिस भी काम से जाते हो, ऑफिस में जाते हो तो जॉब इज योर बेसिक पर्पज, डोंट फॉरगेट दैट। गॉसिपिंग ये सब हमारे लेजर टाइम या हॉबीज में आने चाहिए कि खाली बैठे तो कर लेते हैं, हम उल्टा करते हैं, काम पढ़ाई बाद में, पहले गॉसिपिंग। तो बेसिक पर्पज आपका, अगर खेलने जाते हो तो खेलना होता है ना कि बातें करना, पढ़ने जाते हो तो पढ़ना होता है ना कि बातें करना, जॉब पे जाते हो तो जॉब होता है ना कि बातें करना, या फिर अगर आप किसी फंक्शन में पार्टी में जाते हो तो वहां बातें करनी होती है, वहां पर आप देखते रहते हो लोगों को, ठीक है। तो उल्टा करते हैं हम सारा। तो काम के टाइम पे काम, टीवी के टाइम पे टीवी, पढ़ने के टाइम पे पढ़ना, खेलने के टाइम पे खेलना, और खाली टाइम पे
बकवास खाली समय पर, और हम सब में मिक्स करते हैं बकवास पहले, बचे हुए टाइम पे पढ़ाई, बचे हुए टाइम पे खेल लेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। कितने स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, डोंट से कि मेरे को क्रिकेट आता है सर, ठीक है, स्पोर्ट्स इज वे अहेड देन क्रिकेट। सो आजकल के बच्चे कहाँ स्पोर्ट्स में एक्टिव है, पबजी और ये जरूर आते होंगे, है ना, ब्लू व्हेल आता था ना, एक ब्लू व्हेल, मोबाइल गेम्स इन शॉर्ट, वेयर फिजिकल एक्टिविटीज आर ऑल ओवर, ठीक है। तो इनफॉर्मल इज गुड बट अप टू सर्टेन लेवल, इनफॉर्मल हैज अ मेजर डिसएडवांटेज इन द लॉन्ग रन टू द वन हु इज एम्प्लॉय एंड एज वेल एज टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। देखो, so informal relation is refers to a relationship between the people that is not based on the procedure but it is a personal attitude like dislikes. There always exists an informal relation in the formal organization. एक formal के अंदर हमेशा informal groups within होते हैं. Every management has to recognize this fact. हर एक management को ये समझना, accept करना जरूरी है. Benward ने क्या बोला? Benward viewed that informal relation is not a joint personal activity without being conscious of the joint purpose, even though possibly contributing to joint results. Hold on. Keith ने क्या बोला? Keith ने बोला information as the network of personal and social relationship. होता क्या है ये? Personal मतलब staff. इनका एक network होता है ये. मतलब आपस में मिले हुए, जिसको मैं अभी बोल रहा था कुटुंब etc. तो वो that's funny but you have to याद रखने के लिए सही है वो आपको. Social relationship which is not established or required for by, जिसकी कोई जरूरत नहीं है. इस informal की कोई जरूरत नहीं है कोई भी. Thus the informal relation comprises of the whole set of the custom, social and etc. उसके अंदर सब कुछ होता है. Next, features of informal, it develop spontaneously. मतलब है समझ, अपने आप बनते हैं. Spontaneously मतलब on the spot, अपने आप बनते, कोई सोच के प्रोसीजर बना के नहीं जाता है कि आज हम उसको दोस्त बना के रहेंगे. It is based on the informal authority attached to the person and not to the position. ये किसी position के हिसाब से नहीं बनता, ये तो आपके खुद के nature की वजह से बनता है. Informal authority is earned and not delegated. This authority under informal authority को delegate नहीं कर सकता कि आज से तुम आजाद हो जाओ दोस्त बनाओ. Authority delegate, informal authority delegate नहीं होती है, तो within you होती है, by birth होती है आपके, या because of your family environment की वजह से, या your friends environment की वजह से, company की वजह से आती है आपके. Informal organization represents human tendency to cut across the formal channel. समझ आया क्या? Informal का मतलब क्या होता है? Formal के जो channels बने हुए उनको cut करो और go beyond that. Formal में बोला था you will not talk in Hindi. Informal, cut this and talk in Hindi. It is all pervasive and exists over every enterprises. Sir, ये continuous nature होता है और सब जगह होता है. Informal organization is not always destructive, though it at times, मैंने क्या कहा, हमेशा destructive नहीं होता, but at times it is destructive. Long run में हमेशा ये क्या रहता है, problem create करता है. The job of management more difficult because of the powerful influence of the productivity. और in management की job मुश्किल हो जाती है अगर आपके पास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, तो मैनेजमेंट को मुश्किल है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑल टुगेदर बी अबॉलिश्ड, खत्म नहीं हो सकता, कभी भी पूरा खत्म हो ही नहीं सकता. इट इज नॉट क्रिएटेड एट ऑल विल ऑफ फॉर्मल मैनेजर, मोर ओवर द फॉर्मल मैनेजर कैन नॉट डू विदाउट द कन्वेंशंस, कस्टमर्स एंड कल्चर. द इनफॉर्म, कई बार ऐसा होता है ना, सेल करने वाली सेल्स टीम को इनफॉर्मल बनना पड़ता है. और सर कैसे हो, घर में सब ठीक है, ये वो, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी होली, हैप्पी रक्षाबंधन, जबरदस्ती की मैसेज. इनफॉर्मल थोड़ा सा काम करवाने, बट मैंने आपको क्या कहा कि खत्म नहीं हो सकता, बट वन शुड नो द फाइन लाइन, वेयर टू ड्रॉ द लाइन. एक हमेशा एक अपना एक रेडियस डिसाइड करना चाहिए कि इसके अंदर मुझे कोई एंटर नहीं कर सके, और ना मैं किसी के इस रेडियस में, मैं इनफॉर्मल रहूंगा लोगों के साथ, बट इससे ज्यादा मैं किसी से इनफॉर्मल नहीं होऊंगा, ठीक है. ओके, फंक्शंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं? मेंटेन एंड कंटिन्यू कल्चरल वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल ऑफ द ग्रुप्स. द प्रोवाइड, मतलब लाइफस्टाइल सेम रखते हैं आपको, हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोलेंगे, वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे. सोशल सेटिस्फेक्शन मतलब क्या हुआ? इनफॉर्मल ग्रुप सोशल सेटिस्फेक्शन, मतलब ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, बात करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो सोशल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मेरा कोई ऑफिस में या क्लास में या फिर जॉब पे या घर पे या सोसाइटी में है. देन
द ग्रुप डेवलप सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेटली कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलपमेंट है ये, एंड द एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल बाय वट एवर बिहेवियर, सोशल कंट्रोल डिसाइड करते हैं. देन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इनफॉर्मल क्या है, रेसिस्टेंट टू चेंज. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बदलाव में बड़ा दिक्कत करते हैं. वंस द क्राइटेरिया इज सेट इनफॉर्मली और चेंजेस में बड़ी दिक्कत आती है बदलाव में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज लेटर ऑन. रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इनफॉर्मल में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट. क्यों? जैसा बोलते ना आपस में, अभी सामने दिखने में तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर उसके बाद में पीछे से ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा है, इसकी बकवास बहुत है, ये अपना चलाता है, वो अपना चलाती है, ये सब चलते हैं ना. ऑफिस में भी सेम चीज है, इसको पॉलिटिक्स बोलते हो आप, ठीक है, जो छोटे लेवल की राजनीति उसको करते रहते हो. सो ये एक दूसरे की बुराई करना ऑफिस में स्टार्ट हो जाता है फिर आपका, एंड वो होता है आपका रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. क्यों? क्योंकि सर मैनेजर फॉर्मल है, उसकी तो सुननी पड़ेगी. इनफॉर्मल है अगर तो किसकी चलेगी, सारे तो लेवल एक ही है हम सबका, तो तुम्हारी ही क्यों चले, मेरी क्यों ना चले, मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो क्यों ना माना जाए. वाई वी शुड लिसन टू यू एंड वाई नॉट टू मी, मेरे को क्यों ना सुना जाए. एंड देन रूमर्स, जो बताया आप लोगों ने मुझे कि इनफॉर्मल से रूमर्स बहुत फैलते हैं. एंड देन कन्फॉर्मिटी, सोशल कंट्रोल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग प्रेशर फॉर कन्फॉर्मिटी. द क्लोजर दे आर अटैच टू इट द स्ट्रॉन्गर द इन्फ्लुएंस बिकम्स. मतलब जो मैंने आपको बताया वो बच्चे को जो एक नौकरी छोड़ के चला गया था, राइट, किसकी वजह से गया, बेसिकली बिकॉज ऑफ वन पर्सन विद हुम ही हैड अ पर्सनल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप हु कुड इन्फ्लुएंस हिम. यही अगर फॉर्मल होता तो वो अपनी ये बात बोल नहीं पाती, और ना ही वो उसकी सुनता, वो श्योरली कंफर्म करता मैनेजमेंट से ये चीज, राइट, और उनको इन्फ्लुएंस नहीं होता. बट बिकॉज ऑफ समवन हैज अ इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको इनफॉर्मल में, फॉर्मल में इन्फ्लुएंसिंग पार नहीं होती. फॉर्मल में लिमिट से क्रॉसिंग ही होते हैं. फॉर्मल में क्या बोलोगे, आई थिंक द कंपनी इज नॉट गुड एंड यू शुड लीव द जॉब. भाई तू छोड़ दे, why should I leave the job, why don't you leave, and that fellow should have said this thing, if the company is not good then why don't you leave the company, why are you staying over here, hai na, ye usko bolna chahiye tha, but wahan par uski bewakoofi aati hai. kya sir aap insaan to ho, yahan tak to theek ho, but idhar aake abhi weak ho aap, matlab aapko influencing power kuch logon mein hoti hai, sabhi mein hoti hai, you can influence everyone. बट बींग इन्फ्लुएंस कुछ ही लोग हो सकते हैं, और वो हमेशा लाइफ में, हमेशा एवरीवेयर उनको एक लात पड़ती है. आपको लग रहा है कि मेरे वेलविशर बैठे हैं यहाँ पर, ये वो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना. हर कोई आपको ऊपर पैर रख के आगे बढ़ेगा, एंड सो इज इन ऑर्गेनाइजेशन. याद रखना ये चीज, हमेशा काम से काम रखोगे और अपना तो सक्सेस मिलेगी, इन सब में पड़ोगे सक्सेस नहीं मिल पाएगी. ठीक है, आपके अंदर आप पर कैलिबर है, आपको अपनी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, पढ़े लिखे हो आप, तो क्यों आपको 2+2=5 करने की जरूरत है. दोज़ आर बीकॉम ग्रेजुएट, जिनको डर है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिनको डर है कि हमारी पोजीशन छीनी जा सकती है क्योंकि ये हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, वो करेगा ना ये काम. आया ना समझ, आपको क्यों करना है. अगर आपको डर है कि मैं काबिल नहीं हूं, मुझे जॉब शायद चांस से मिल गई, हाँ जरूरत है, राजनीति करो, करनी पड़ेगी आपको बचाने के लिए. अगर आप श्योर हो कि मुझसे बेटर बंदा इनको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो क्यों करनी है आपको. वो जो बोल रहे हैं बोलते रहे, ठीक है. देन बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल, जैसे आपने ही खुद कुछ बताया मुझे, मेक्स द टोटल सिस्टम मोर इफेक्टिव, फास्ट, लाइटन द वर्क लोड ऑफ मैनेजमेंट, हेल्प्स टू गेट द वर्क डन, टेंड्स टू एनकरेज कॉर्पोरेशन, आपस में कॉर्पोरेशन बढ़ जाती है लोगों की, fill in the gap in the manager's abilities and gives the satisfaction and stability to the work groups. Then provides useful channel of communication, provides a safety level for the employees, safety valve for the employees. का मतलब होता है कि अगर आप यूर डाउन इन लाइफ, या अगर आपका मूड ठीक नहीं है, या अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, तो फॉर्मल में समय लगता है हेल्प लेने में, इनफॉर्मल में सेफ्टी वॉल्व का मतलब होता है इमीडिएटली कोई ना कोई आपकी हेल्प आके करेगा. कंट्रोल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, the benefits of informalization will accrue only when it is properly controlled and it is potential power properly channelized. The significant aspect of manager duty in the connection are, kaun kaun se manager ke kaam hai, pehla he should recognize and reconcile himself to the, matlab usko dekhna hai ki kaun sa informal hai aur unke sath usko informal banke rehna hai, kyunki tabhi to wo unke sath
टीम बन के रह पाएगा. He should influence the informal organization so that the role of more positive and negative aspect is minimized. समझ आया? वो influencing पार उसमें भी रखे so that जो गलत चीजें उनको वो चुप करा सके और सही को वो influence कर सके. He should integrate informal organization with the formal organization. समझ आया? Informal को धीरे-धीरे किसमें करे वो integrate? And then he should make an informal organization secondary to formal organization and not vice versa. समझ आया? पहला formal फिर ना कि पहले इनफॉर्मल फिर पहले इनफॉर्मल हो गया तो आप जिस जब मन कर रहे तब ऑफिस आओगे. जो कपड़े पहनना है वो पहनोगे, कोई फॉर्मल का कोई काम ही नहीं है फिर, राइट? तो पहले फॉर्मल होना चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल वन. इट इज कैरेक्टराइज बाई एक्टिविटी अथॉरिटी रिलेशनशिप इन द एंटरप्राइज. Organization as a structure is consciously conceived and created pattern of the task, role, relationship among individual members and the group towards accomplishment of its objective. This pattern of network may be exhibited by the way of organization chart. The organization structure is not an end in itself. It is rather a means to an end. Organization ka structure khatam, kahin khatam nahi hota, rather it is a means to an end. That is, it is created to achieve certain goals and organization is turned to done organization structure banaya kyu jata hai to achieve certain goals and divide the rules, responsibility, authority and etc. purpose and cause of organizing, kya hota hai organizing ka purpose, discuss kiya bhai humne pehle. organizing ka purpose kya hota hai, objective इफेक्टिव काम करना, डेलीगेट करना, डिवाइड कर देना. सो इट नीड्स टू एम्फसाइज दैट अ स्ट्रक्चर इज मींस नॉट एन एंड टू इटसेल्फ. मतलब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका है इसका, ठीक है? अच्छा, किसी बच्चे को अगर वो सफोकेशन वाली प्रॉब्लम है तो इधर आ जाओ, विद इन 10-15 मिनट्स हम खत्म कर देंगे. एज सच नॉट द शुड बी द फैसिलिटेट्स अचीवमेंट्स ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव थ्रू द ऑर्डरली ऑर्गेनाइज ग्रुप एफर्ट्स, बट इट शुड ऑल्सो डू द सेम विद द लीस्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम. मतलब जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, समय कम, पैसा कम, एफर्ट्स कम एंड पेन कम कर देगा. आपका पैसा भी कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, जो मैंने आपको बताया था 30 स्टूडेंट्स 14 आवर्स एंड 1 आवर वाला, एंड पैसा कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी आपके. ओके, देन द बेसिक कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइज इन द लिमिटेशन ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. इफ there were no such limitation, one could have an organized enterprise with only one manager. The number of subordinates a manager can effectively manage may be few. To ab ye organization ka purpose aaya kyun? Just because human has a limitation to manage. इंसान की एक लिमिट होती है, वो कुछ ही लोगों को मैनेज कर सकता है. उससे ज्यादा अगर लोगों को मैनेज करना हुआ तो उसकी एफिशिएंसी में कमी आएगी. इसलिए कॉन्सेप्ट क्या आया, ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या बोला कि एक आदमी इतनों को मैनेज करेगा, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम. डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन द शुड नॉट बी स्टैटिक. दैट इज एंटरप्राइज ऑपरेट अंडर द हाईली डायनेमिक एनवायरमेंट वेयर द टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा चेंजेस होते रहते हैं. एंड द this call for adaptation of organization structure to changing coordination so that it can survive and grow in the long run. Organization badlega nahi to dikkat aayegi. Wohi Nokia wala example. If you will not change the organization structure or way of working, aapki company ko log out kar denge. A change in economic function generally calls for redesigning the organization structure. Jaise Tata company ne redesign kiya, Raymond's company agar pata ho kapdon ki, usne apne kaam ko redesign kiya. Pehle bas kapde bechte the wo. मतलब कपड़े इन द सेंस रॉ मटेरियल. अब वो रेडीमेड भी सेल कर रहे हैं ना, रेमंड्स का स्टोर्स भी खुल रहे हैं, आउटलेट, एथनिक स्टोर्स एक्सेट्रा. रीडिजाइन किया ना उन्होंने, आपको फैशन स्टूडियो टाइप में बना दिया उन्होंने, राइट? सच चेंज इन द इकोनॉमिक फंक्शन इन्फ्लुएंस द सब ऑन कर रहे हैं. आराम से करेंगे, ठीक है?
ओके ठीक है करें, अभी इतना समझाया, इनफॉर्मल के लिए रुक जाओ थोड़ा सा, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। खुशी हुई लाइट आने से? चले आगे। अभी डायनेमिक नेचर, सो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कौन सा होता है? इट इज अ डायनेमिक नेचर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एंड सिंस इफ द इवन इफ इफ द नेचर I will make sure that you enjoy every minute over here, but I will make sure if you will not maintain the decorum, you will not enjoy a second over here. मैं ये श्योर कर दूँ। तो क्लास में बैठो, I am not that type of person कि आप लोगों को बहुत strict way से enjoy करो, पढ़ाई के time पे पढ़ाई, बाकी जो करना करो मुझे कोई problem नहीं, but पढ़ाई के time में मुझे सर भी हिलकावाने चाहिए। ठीक है, पर्सनल जो भी आपकी बातें बतानी है बताना, आप लिख लो एक कागज पे, क्लास के बाद बता देना उस मिनट पे मैं ये बोलना चाहती थी चाहता। ओके, तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग। इफ द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट चेंज, इट विल लेफ्ट बिहाइंड, एंड इट इज इट शुड बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इट हैव अ नेचर ऑफ चेंजिंग, अडेप्टेशन होनी चाहिए, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। तो सच, सेकेंड लास्ट लाइन, सच चेंज इन इकोनॉमिक फंक्शन इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लार्जली थ्रू interchanging job accommodating full stop accommodating these changes in the organization required that the structure should be partially modified. aap structure change kaise hoga, jab tak modify nahi hoga tab tak change nahi hoga. developing an organization structure, how can we develop a organization structure? simply jo first class mein aapne kiya wahi hota hai. kya hota hai? sabse pehla aapko ek goal decide karna hota hai. किसी भी चीज को डिफाइन या स्ट्रक्चर सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? आपको डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, गोल देखो आप अपना, देन यू सी योर अवेलेबल ऑप्शंस, देन चूज वन अमंग देम एंड देन इंप्लीमेंट, एंड देन अपना गैप जो भी फिल करते हो वो देखना, सेम प्लानिंग वाले हो सब सेम रहते हैं। तो पहला, डिजाइनिंग द न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइजिंग एग्जिस्टिंग वन कॉल फॉर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ करंट प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है उसको देखेंगे। Why to see the current objective, current scenario क्यों देखना? सर जरूरत कहाँ है? अगर करंट नहीं चेक करोगे तो पता कैसे चलेगा कि जरूरत कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की? राइट, एंड ऑल्सो यू शुड सी योर कॉम्पिटिटर, वेर इज माई कॉम्पिटिटर, क्यों आप अपने आप को किसके कैपेबल बना रहे हो या किससे ऊपर बनाना चाहते हो? तो क्या आपको अपना कंपेरिजन करना ना उससे? ठीक है, अवर नो सच रूल्स The application of which lead to best organizational structure in every situation. कोई ऐसे established rule नहीं कि best बन जाओगे आप। But the following steps can be great help in designing a suitable structure which will help in achieving enterprise's objective. कुछ steps हैं जिससे best बन सकते हो आप, कोई guarantee नहीं है। पहला, clear definite objective, करना क्या है वो पहले सोचो आप। दूसरा, identify the activities and grouping them into convenient classes. वही first ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट क्लास क्या कहती है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज एंड देन ग्रुप देम, सिमिलर को एक साथ कर दो, यही है। तीसरा, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, अब आप ग्रुप करने के बाद में स्ट्रक्चर को बनाओ कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर सीनियर मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड और वट एवर फंक्शनल स्टाफ लाइन स्टाफ कौन सा बनाना चाहते हो वो बनाओ। रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑन बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनल अदर रिसोर्सेज, समय समय पर, टाइम टू टाइम, जब जब आपको लगता है कि अब रिविजन की जरूरत है तो क्या करना आपको, रिवाइज करना। क्लियर, आगे, ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ अनलाइक द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज नेचुरल एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस कैन बी प्लान्ड। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नेचुरल होती है, नेचुरल भी होती है और वर्क बेसिस पे। नेचुरल ग्रोथ का मतलब होता है कि जितना लंबे समय से आप चल रहे हो उतनी नेचुरली आप ग्रोथ भी, गुडविल बन रही है, एक्सपीरियंस गेन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को तो वो भी गेन हो रहा है आपको, नेचुरल ग्रोथ है। और एक होती है प्लान्ड, प्लान्ड कौन सी होती है, जो हम काम करते हैं वो वाली, एक्सपीडिएट स्टेबलाइज्ड कंट्रोल्ड एंड इवन रिटार्टेड कीपिंग इन व्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड एक्शन। हाउएवर Taking the given growth as an objective of organization, it would worthwhile exercise to study the process on growth. अगर एक organization को targets दिए हुए, given growth है और वो उसको achieve करता है तो it is worth to read their targets, it is worth to read their structure, it is worth to read their plans an organization। मतलब समझ आया?
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट दिया और वो उसको ठीक से अचीव कर रहा है तो वर्थफुल है उनके केस को पढ़ो आप कि कैसे उन्होंने इतना अच्छा अचीव किया। क्या करते थे आप मैनेजमेंट कम्युनिकेशन में, क्या करते हैं पीपीटीज में, प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक उठाते हैं और उसके मैनेजमेंट को चेक करते हैं, अगर अच्छा किया उसने तो हम उसको फॉलो नहीं तो करते ना। लैरी ई ग्रेनर ने कहा हैज प्रोवाइडेड अ साउंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ही आर्ग्यूड दैट, उसने कहा ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन मूव थ्रू फाइव रिलेटिवली काम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन। ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन पांच स्टेज से गुजरता है, ईच ऑफ विच एंड्स विद अ पीरियड ऑफ क्राइसिस एंड रिवोल्यूशन। पांच स्टेज होती है। अकॉर्डिंग टू हिम ईच इवोल्यूशनरी पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय द डोमिनेंट मैनेजमेंट स्टाइल एंड यूज ऑफ अचीव ग्रोथ, वाइल ईच रिवोल्यूशनरी पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय डोमिनेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम दैट मस्ट बी सॉल्व बिफोर द ग्रोथ विल कंटिन्यू। समझ आया? आगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्ज, इवोल्यूशन है ये। तो ऊपर क्या बोला, इवोल्यूशन में कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट क्या रहता है, इवोल्यूशन के टाइम पे डोमिनेंट मैनेजमेंट है टू अचीव द ग्रोथ, वाइल रिवोल्यूशनरी में क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, बोलते नहीं है कि अब जनता रिवोल्यूशन लेके आएगी, तो प्रॉब्लम किसको होती है, जनता रिवोल्यूशन लाती है तो सरकार को, मतलब मैनेजमेंट को। तो इवोल्यूशन गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, वेयर इज रिवोल्यूशन मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या बोला नीचे, ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल टू लार्ज होता है उस टाइम कौन सा होता है, वो इवोल्यूशन। इनिशियली देयर इज अ ग्रोथ, जब जीरो से शुरू कर रहे हो, दस रुपए भी कमाए तो 10% प्रॉफिट, जीरो से शुरू करा और 10 लाख कमाए, 10 लाख% प्रॉफिट। अब 10 लाख से आप कितना कमाते हो, 9 लाख घाटे में, 10 लाख से आपने कमाया 11 लाख, तो पहले साल तो वह 10 लाख% और दूसरे साल 10% नीचे गिर गए। देखा जाए तो परसेंटेज गिरा, तो ये मैनेजमेंट के लिए क्या क्राइसिस। इनिशियली देयर इज अ ग्रोथ, द क्रिएटिविटी ऑफ द फाउंडर हु आर यूजुअली टेक्निकली एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेड, बट सून मैनेजमेंट प्रॉब्लम अकर दैट द कैन नॉट बी हैंडल थ्रू द मेयर डेडिकेशन ऑफ फाउंडर, इनफॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। क्राइसिस लीडरशिप डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पर, टू मीट ए स्ट्रॉन्ग मैनेजर इज अपॉइंटेड, और इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। दिस न्यू मैनेजर टास्क takes most of responsibility for initiating directions, while lower level supervisor get task carried out without the enjoying the any decision making authority. So obviously decision top ko milta hai aur lower decision nahi leta, just kaam karta hai. As the organization grows further, evolution these lower level, fir evolution aata hai, officer demand more autonomy. Niche level wale officers ko ab thodi si freedom chahiye, autonomy chahiye, hence crisis shuru ho jata hai. Aur ye kaun sa time hai ab, रिवोल्यूशन का, सर बोनस दो, सैलरी बढ़ाओ, छुट्टियां बढ़ाओ एक्सेट्रा। बट सून दीज लेवल्स इंटरलाइज सब यूनिट गोल्स, वो अपने आप को सीसेस अपने टर्म्स कंडीशन को आपस में मैच कर लेते हैं, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू कंट्रोल इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज। सो ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन लीड्स टू क्राइसिस कंट्रोल, द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इज फिल्ट। अब फिर से क्या चाहिए, रिवोल्यूशन, देन मतलब ये चलता रहेगा, जब जब ग्रोथ होगी इवोल्यूशन एंड देन रिवोल्यूशन। देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ डेलीगेशन एक्टिविटीज एज सेंट्रलाइजेशन एट दिस स्टेज इज नाउ नो लॉन्गर पॉसिबल। अब सेंट्रलाइज नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ग्रो कर चुका है। सो इलोबरेट रूल्स एंड रेगुलेशन आर डेवलप इवोल्यूशन टू ऑब्टेन द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, बट इटसेल्फ क्रिएट्स अ क्राइसिस। It is hoped perhaps that this crisis can be overcome through the collaboration, that is revolution to hai, ab usko overcome karna padega aapko. Hence there is a growth through collaboration. Ab aapko organization ko zarurat hai to kisi ke sath tie up karo, partnership, joint venture, ya to bahar se hire karo kyunki organization grow kar chuka hai ab, ya to internally usko grow karo to bahut paisa chahiye, ya kisi bane banaye company ko khareed lo या उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करो। इन विच पीपल वर्क एज अ टीम, सोशल कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन टेक्स द प्लेस ऑफ फॉर्मल कंट्रोल। दस एन एंटरप्राइजेस ग्रो
द स्ट्रक्चर अंडरगो अ चेंज, जैसे जैसे एंटरप्राइजेस ग्रो करता है स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं. द मूवमेंट इन जनरल अपीयर्स टू बी टूवर्ड्स बेटर ऑटोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉर्मल कंडक्टिव, जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, मोर फ्लेक्सिबल इनफॉर्मल एंड कंड्यूसिव. फुल स्टॉप. चैप्टर अब तो खत्म हो गया. थैंक यू. लेसन राउंड ऑफ स्पीक ना.